मनीषा झा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से कई वादे किए, जिनमें से एक वादा उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर किया कि वो दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने वादों पर कितने खरे उतरे। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। मैडम, वादा तो ना तो केजरीवाल जी ने पूरा किया ना मोदी जी ने पूरा किया। मोदी जी ने भी बोला था 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, ऐसे ही केजरीवाल जी ने भी कहा था। तो दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों झूठे। वादा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी समझ जाती है, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विश्व में फिलहाल कोरोना की महामारी चल रही है काफ़ी पिछले 2 सालों से, तो इसको देखते हुए जिनकी नौकरियां थी लोगों को, उनको ही बचाने में बड़ी मुश्किलें आई हैं। लोगों की जो लोग रोज़गार में थे उनके रोज़गार छिन गए हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रियां थी वो बंद हो गई हैं। तो जिसके कारण कि मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ हुआ है कि उनको रोज़गार मिल पाए। तो इससे मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को, मतलब सिर्फ केजरीवाल जी की बात नहीं है, आप ओवरऑल अगर स्टेज पे देखें तो रोज़गार लोगों को मिल नहीं पाया ढंग से। नहीं, गलती तो देखो, अगर ऐसा होता ना कि अगर स्थिति सामान्य होती तो उस स्थिति में अगर रोज़गार अगर वो नहीं दे पाते तो हम कहते हैं कि हाँ गलती है उनकी, पर थोड़ा सा स्थिति भी है और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उनको दोष नहीं देंगे। देखो, दोष लगाना किसी के ऊपर भी आसान होता है ना, दोष नहीं देना चाहिए हमें। बस ये है कि हाँ, अब जो स्थिति, अब जब सबको वैक्सीनेशन हो गया है, जो आपको पता ही है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोसेस कितनी तेज़ी से चल रहा है, तो उनको उसको देखते हुए ये है कि अब आगे के लिए लोगों को, जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जो नया युवा है उनको रोज़गार का मौका मिलना चाहिए। जैसे बसें भी आई थी, 5,000 बसें बोला था, बसें भी नहीं आई, ट्रैफिक इतने बुरा, हम तो 1-1 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, बस ही नहीं मिलती है नी? और कई कॉलोनी में हम जाते हैं तो सड़कें इतने बुरा हाल है कि पूछो मत, है नी? और दिल्ली का जैसे स्मार्ट सिटी बनाना था कुछ बना ही नहीं। देखो, देश की राजधानी स्मार्ट सिटी बननी चाहिए ना, ये तो दिल्ली सरकार का काम है ना, ये थोड़ी क्या मोदी को ब्लेम करने लग जाओ, ये तो सरकार का अपना काम है, अपने स्तर पे काम करो तो अपने जनता अपने आप। ये तो हाँ, ये बस ये है कि फ्री का दे दो, फ्री का मत दो, लोगों को इस तरह प्रबल बना दो आर्थिक रूप से, रोजगार रूप से सक्षम हो देने के लिए। बिल्कुल नहीं, कई वादे ऐसे किए थे। देखिए, शुरू मेरे पास पेपर के कटिंग भी है, शुरू ने कहा था 10,000 बस आऊंगा, अभी तक कोई बस नहीं, हर बार टालते जाते हैं। ऐसे कई वादे हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कम्प्लीट, मतलब जो उन्होंने किया, बट नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल कि वो रिलीजियस कार्ड प्ले कर रहे हैं दिल्ली में, और अभी आगे भी मतलब जो कर रहे हैं इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, गुजरात में, पंजाब में, कहते हैं बिजली पानी दे देंगे, लेकिन उसको एक कवर है, बिजली पानी नहीं देंगे वो, उसके बाद वो करने के बाद वो रिलीजियस कार्ड का ड्रामा करेंगे, रिलीजियस कार्ड से वो हर जगह लोगों को, जैसे दिल्ली में उन्होंने रिलीजियस कार्ड से ही सबको टिकट बांटे। हाँ, झूठ है बिल्कुल, कोई नहीं वादा जो है वो, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ऐसे ही बोलते रहते हैं। देखिए, पब्लिसिटी हर जरा सी बात में करोड़ों रुपीज़ वो स्पेंड कर रहे हैं, हर जगह अपनी फोटो। बेरोजगारी से परेशान लोगों का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान किए अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, एबीएनएन न्यूज़, दिल्ली।